पास जो कंप्लेंटर सीतापुर के लिए आए थे, तो आपके पास आप उनके लिए क्या सजेस्ट? देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, हीरा गोल्ड या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने गोल्ड के नाम पे बड़े पैमाने पर लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रखा है। जैसे एक चाचा हमारे सामने यहाँ खड़े हैं, देख लीजिए, आप उनके तरफ कैमरा दिखा सकते हैं। ये चाचा 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी आपा है यहाँ पे, इनका 9.25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। तो 9.25 लाख रुपए देने के बाद इनको क्या मिला? गोल्ड मिला क्या? कोई घर मिला क्या? इनके पास महज एक पेपर है, और वो पेपर किसी RBI या किसी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, अप्रूव नहीं किया। अब वो पेपर दिखा के उनको 9 लाख रुपए कौन देगा? अगर हुंडी है तो हुंडी इनकैश होती है, ये तो हुंडी भी नहीं है। अब ये चाचा देखिए, इनके 20 लाख रुपए गए हुए, इनके पास बोलते कि परचेजर है, तो परचेजर के पास कुछ तो ऐसी चीज हो रही है जिसको बेच के पैसा मिले, तो गोल्ड होगा या फिर घर होगा या जमीन होगी, कुछ भी तो होगी, इनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई के लगभग 1 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके लाखों रुपए इस स्कीम में गया है। पूरे हिंदुस्तान में अगर देखें तो 3 लाख के आसपास सामान्य इन्वेस्टर्स हैं, साधारण लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग नहीं है, इनके मेहनत की जमा की हुई पूंजी है, पैसे हैं, तो वो पैसा इनका डूब गया। तो ये पैसा कैसे निकाला जाए और सभी को उनको उनका पैसा कैसे मिले, हमारी चिंता सिर्फ इतनी। हमको जो मैडम है उनमें अपना कोई लेना देना नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं, हम तो जानते भी नहीं कौन है। हाँ, जो सामान्य लोग मुंबई के जिनका पैसा डूबा है उनकी चिंता हम करेंगे, ये हमारा हक है, हमारी जवाबदारी है, और उसके लिए आगे जाकर के कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हो सका तो हम UOW में जाएंगे और CBI से इसकी इंक्वायरी हो और बहुत सख्ती से इंक्वायरी हो, इस प्रकार का इंतजाम करेंगे। जब सहारा के पैसे डूब रहे थे, सहारा के निवेशकों के पैसे डूब रहे थे, उनका पैसा जब उनको वापस दिलवाने का काम किया गया, तो ऐसे सामान्य लोगों का ही पैसा उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल यही हमारी इच्छा है। लेकिन सर, हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आए और हमें लोगों ने फोन करके बोले कि बहुत सारे सपोर्टर्स जो है आपको मैसेजेस किए, आपके मैंने पूछा किए, मैंने इनसे पूछा, साने लाई तुर्की जी से जिन्होंने भांडा फोड़ा है दिल्ली मुंबई में, मुंबई में इनसे पूछा तुर्की साहब से, बहुत सारे लोगों को फोन आ रहा है, बोला ये इन्वेस्टर नहीं है, ये उनके एजेंट्स है। जी, ये कैसा आप ये कर सकते हैं, ये बोले? अच्छा, आप आपकी राय क्या है? हम तो जानते ही नहीं वो कौन है, उसका क्या बैकग्राउंड है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने बोला कुछ लोगों का फोन आ रहा है कि यार तुम्हें सपोर्ट भी सपोर्ट ऐसा है सर, कोई एक मतलब एक मैसेज 100 मैसेज समझ सकते हैं, लेकिन सर आपके पास उनका दावा है कि आपके पास तादाद में मैसेजेस आए, कितना दावा, तो आप देख लीजिए कितना दावा, 15 से ज्यादा मैसेज नहीं है। सबसे पहली बात नहीं, बात सुनिए, 15 मैसेज नहीं है, ये तो शुरू करते हैं, कोई वॉर रूम में भाई सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं 15-20 मैसेज है मेरे पास, 10 फोन नंबर है, मैं 10 मैसेजेस करूंगा। आप ऐसा लग रहे हो कि भारी सपोर्टर है, हमें सवाल पूछने कहा गया, हाँ, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं सर, इस पे सपोर्ट देखो, मैं भी बात सुनो ना, सुनो, मैं भी कोई 25 साल जर्नलिज्म कर चुका हूँ, मैं पत्रकार और एडिटर रहा हूँ। पत्रकार होते हुए भी आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सामाजिक दायित्व होता है। सामाजिक दायित्व क्या है? जिन सामान्य लोगों की जमा पूंजी डूब गई है उनको उनका पैसा मिलना चाहिए। अगर ये चिंता मेरी है तो एक पत्रकार साथी की आइए मिलके एक अभियान शुरू करते हैं जिसमें सभी निवेशकों को उनका डूबा हुआ पैसा मिल जाए। धन्यवाद।